पंजाब विच कोरोना वायरस का कहर बरकरार है। 24 घंटे अंदर 418 होर नवे मामले सामने आए ने। एक दिन अंदर कोरोना करके 4 लोगों की मौत हुई है। लुधियाना जिले विच 126 नवे मामलों की तस्दीक हुई है। पंजाब विच कोरोना के कुल 8239 मामले ने, 2449 एक्टिव केस ने। सूबे विच हुण तक 204 लोगों की कोरोना करके मौत हो चुकी है। आए दिन लगातार वड्डी गिनती विच पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, जो कि चिंताजनक ने ये अंकड़े, क्योंकि लगातार जो अंकड़े ने वो वध रहे ने। 24 घंटे अंदर 418 होर नवे मामले सामने आए ने। अमनप्रीत कौर मेरी सहयोगी हो जानकारी दे नाल बन गए ने। तो अमन, जो अंकड़े सामने आ रहे ने वो जरूर चिंताजनक ने। इस विच जिस तरह दे नाल पंजाब सरकार वालों नवीं हदायतां अनलॉक 2 दौरान कल जारी की गई ने, उस तो बाद सख्ती किन्नी काम आएगी ते की अंकड़े घटनगे, गिरावट दर्ज की जाती है आने वाले दिनों में अंकड़ों में सख्ती तो बाद इस पर सख्ती नजर आएगी। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरीके दे नाल लगातार कोरोना का कहर वधदा जा रहा है, हर एक एक सूबे विच कई कई मामले जिस तरीके दे नाल सामने आ रहे हैं। और सब तो अगर मोहाली की गल की जाए तो एक दिन के अंदर 31 मामले है, जो अपने आप एक बहुत वड्डा आंकड़ा सीगा। इसी तरीके दे नाल पटियाला की गल की जाए, पटियाला विच भी इस तरीके दे नाल ही बंब फुटा सी। लगातार जो कई मामले जिस तरीके ने पॉजिटिव आए ने, लुधियाना विखे पॉजिटिव आए ने। सो वख वख जिहड़े कि सूबे विच कई कई मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि सरकार वालों जिस तरीके दे नाल कल नवी गाइडलाइनस जारी की गई हैं, लेकिन समस्या इत्थे आ रही है कि सब कुछ खुला है, लोग घरों भी निकल रहे हैं। इसी बारे असी कल जदों मोहाली के सिविल सर्जन नाल भी असी गल की सी, तो उन्होंने साफ तौर पर जानकारी दी सी कि बेशक सब कुछ खुल चुका है, लेकिन हुण जिम्मेदारी लोगों की बनती है, क्योंकि छोटिया छोटिया जिहड़ियां गाइडलाइनस है उसनों फॉलो करना बेहद जरूरी है। हालांकि मास्क लगाने नाल जिस तरीके उन्होंने कहा सीगा कि थोड़ी जी लोगों को दिक्कत जरूर होंदी है, लेकिन अगर साढ़े नाल कोई कोरोना पॉजिटिव खड़ा होंदा है या किसी तरीके दा कोई कोरोना पॉजिटिव साढ़े सर्कल विच है, अगर असी मास्क लगाया है तो बहुत घट चांसिस सानू जिहड़े कि हो जांदी कि असी उस तो बच सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके अगर असी छिक लैंदे हैं या असी गल करदे हैं तो जो साडा एक स्प्रेड है एक दूसरे विच जिहड़ा ज़्यादा वधदा जांदा है। सो उन्होंने कहा कि हुण छोटी छोटी अगर चीज़ों असी मनणगे उस तो ही राहत मिल सकती। उस तरीके उन्होंने एयर कंडीशन लैके भी गल जरूर कही सी, अगर असी कमरे के अंदर बहुत सारे लोग बैठे ने ऑफिस के अंदर, तो अगर उत्थे एसी चल रहा है तो उसके लिए जरूरी यह होएगा कि लोगों नू वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके दे नाल रखा जा सके। एसी नू बंद कमरे में प्रॉपर बंद कमरा नहीं होना चाहिए है। अगर असी कार विच भी जा रहे हैं, अगर 3 तो 4 बंदे ने, तो शीशा जरूर खुला रखा जाए। इस दे नाल ही अगर आप बाहर जा रहे हैं, मास्क प्रॉपर तरीके रखा जाए। अगर लोगों नू सैनिटाइज तो प्रॉब्लम हो रही है तो बार बार हाथ धोन। सो इस तरीके की हिदायत उन्होंने जारी की है। बेशक अनलॉक 2 के तहत बहुत नवी गाइडलाइन पंजाब सरकार वालों जिस तरीके कल जारी की गई है कि ज़्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, ब्याह शादियों का भी जो उन्होंने हूँ 30 लोगों तक कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम इतने आ रही है कि सब कुछ खुला है, लोग अपने कामकाज के लिए लोग बाहर भी निकल रहे हैं, बाजारों में भी उस तरीके की ही भीड़ आम वेखन मिल रही है, रोड़ों के उपर भी उस तरीके की मिल रही है। अगर इसी तरीके भीड़ रहेगी तो जिहड़ा कम्यूनिटी जो एक कह सकते अपन जो स्प्रेड शुरू हो चुके हैं, जिस तरीके दे नाल हुण कॉन्टैक्ट के जरिए जिस तरीके दे लगातार मामले वध रहे हैं, उसनों घटाना बहुत मुश्किल है। इस समय में खुद ही सेहत विभाग ने चिंता कल जताई है कि हुण समस्या बहुत ज़्यादा वध चुकी है, सब कुछ खुला है, कॉन्टैक्ट वधता जा रहा है। एक ही एरिए कई कई जिस तरीके कॉन्टैक्ट के जरिए लोग आ रहे हैं। सो हुण जिम्मेदारी अपनी बन चुकी है, अपनी सेहत नू खुद नू सेफ रखने के लिए हम लोगों को चिंताजनक अंकड़े आए दिन सामने आ रहे हैं। इस विचकार लोगों की यह जिम्मेवारी बनती है कि तमाम हदायतों की पालना लोग करन, अपनी सुरक्षा के नाल नाल दूजिया की सुरक्षा को भी यकीनी बनाउण। धन्यवाद तमाम गलबात लई।